नेचर लवर्स, जो पौधा आज आप देख रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट पौधा है और बड़ा इम्पोर्टेंट प्लांट है दैट यू कैन ग्रो एट योर होम। ये आप देख रहे हैं बड़े सुंदर फ्लावर इस पर आए हुए हैं। इसके कॉमन नेम झुरी, पुष्कर आदि नाम से इसे जाना जाता है। इट गिव्स फ्लावर्स अबाउट 3 to 4 months। काफ़ी लंबा समय इसका फ्लावरिंग का है। अगर आप इसे लगा सकते हैं तो इसे अपने घर पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस पर फ्लावर ऐसे आ रहे हैं जैसे किसी ने सोने के फूल बना करके प्लांट के ऊपर लगा दिए हों। इसका बॉटनिकल नेम इनुला कस्पिडेटा सिन डुहाल्डिया कस्पिडेटा है दैट बिलोंग्स टू एस्टेरेसी फैमिली। यू कैन ग्रो इट एट योर होम इन योर किचन गार्डन और गार्डन दैट इज वेरी ब्यूटिफुल प्लांट वैन गिव द फ्लावर्स। यूज्ड इन डिस्पेप्सिया एंड कॉलिक लीफ एक्सट्रैक्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसका लीफ एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है और स्टेम एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। ये आप देख रहे हैं प्लांट देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यूज्ड एज एंटी ऑक्सीडेंट एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी फंगल एंड हिबेटो प्रोटेक्टिव। अगर इसे दवाइयों में यूज करते हैं तो देखभाल करके यूज करें। मोस्टली स्टेम और लीफ एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड। द स्टेम इज शेड ड्राइड कोर्सली पाउडर्ड एंड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर फॉर फर्दर यूज। दोबारा से यूज करने के लिए आप इसे छाया में सुखा करके पाउडर बना करके रख सकते हैं और इसका एक्सट्रैक्ट बना करके यूज किया जाता है। ये देखिए आप इसका प्लांट जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये पहाड़ियों पर होता है जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पर होता है। तो इसे आप देख सकते हैं पहाड़ों पर अगर कभी आपका जाना हो तो ये वहाँ पर बहुत आयत से दिखाई देता है। इट इज मोस्टली 45 to 100 centimeters हाई ग्रोज इन द स्लोप्स ऑफ डीप वेट वैलीज इन द हिमालयाज उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा। तो इसे आप जो है ध्यान से प्रयोग करेंगे, इसके प्रयोग करने में गलती ना करें। इफ़ लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।